चुनाव से पहले ही शुरू हो गया ऑपरेशन लोटस, कांग्रेस हैरान। चुनाव परिणाम कुछ भी हो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। त्रिपुरा चुनाव को लेकर हो रहे दावे से कांग्रेस सीपीएम परेशान। त्रिपुरा विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होना है, 2 मार्च को नतीजे आएंगे। इसके बाद पता चलेगा कि त्रिपुरा की जनता ने सरकार बनाने के लिए किसे चुना है। लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले ही त्रिपुरा में ऑपरेशन लोटस की खबर ने हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि त्रिपुरा में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है, तो गठबंधन के समीकरण भी बनते और बिगड़ते दिख रहे हैं। ऑपरेशन लोटस को लेकर त्रिपुरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी को अपने निशाने पर ले लिया है। उन्होंने बीजेपी की सहयोगी पार्टी इंडिजिनल पीपल्स ऑफ त्रिपुरा यानी कि आईपीएफटी पर सवाल उठाए हैं। देव वर्मा ने ट्वीट किया, आश्चर्यजनक रूप से आईपीएफटी के सभी नेता मेरे फोन कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे हैं। दिन में 11 बजे से ही उनको सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। दरअसल प्रद्योत किशोर की त्रिपुरा मोथा और आईपीएफटी के बीच गठबंधन को लेकर बात चल रही थी। हाल ही में प्रद्योत किशोर ने आईपीएफटी के साथ अपनी पार्टी के विलय का भी प्रस्ताव दिया था। प्रद्योत किशोर ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन सहयोगी रही आईपीएफटी को लिखे पत्र में कहा था कि दोनों ही दल एक मांग को लेकर अड़ रहे हैं, इंडिजिनस लोगों के स्थायी संवैधानिक समाधान की मांग। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि आईपीएफटी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, कि पहले आईपीएफटी ने बीजेपी से गठबंधन समाप्त करने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि बीजेपी ने अलग राज्य की उनकी मांग नहीं मानी थी। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो एक्टिव हुआ और आईपीएफटी के नेताओं से संपर्क साधा। अंदर खान ने कई दौर की बातचीत के बाद आईपीएफटी के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देकर गठबंधन बचा लिया। बीजेपी ने आईपीएफटी को 5 सीटें दी हैं, जो पिछले चुनाव की तुलना में 4 कम हैं। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि पिछले चुनाव के दोनों गठबंधन सहयोगी साथ चुनाव मैदान में आ जाएंगे। दूसरी तरफ पिछले चुनाव में बीजेपी से वोट प्रतिशत के मामले में मामूली अंतर से पिछड़ सत्ता गंवाने वाली सीपीएम भी खोया गढ़ वापस पाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। माकपा ने इस बार सूबे की सियासत में अपनी परंपरागत प्रतिद्वंदी कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। दोनों ही पार्टियां इस बार 7 चुनाव मैदान में उतरी हैं। लेफ्ट की 43 सीटों पर और कांग्रेस की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में सीपीएम वोट शेयर के लिहाज से मामूली अंतर से पीछे रह गई थी, लेकिन सीटों के मामले में बीजेपी से वो बहुत पीछे रह गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 36 और सीपीएम को 16 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी की सहयोगी आईपीएफटी को 8 सीटें मिली थी। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने त्रिपुरा मोथा को भी साथ आने का न्योता दिया था। दिल्ली में त्रिपुरा मोथा के नेताओं के साथ बीजेपी की बातचीत भी हुई थी, लेकिन अलग राज्य की मांग पर बात नहीं बनी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि वो त्रिपुरा का विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उत्तर पूर्व के राज्यों में इसी तरह की नई मांग शुरू हो जाएगी। वैसे नागालैंड में अलग राज्य का आंदोलन जो अभी शांत होता दिख रहा है, वो भी सुलग उठेगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड पर भी इसका असर दिखेगा। इसलिए शाह ने देव वर्मा की मांग मानने से बड़ा कर दिया। बीजेपी से गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद देव वर्मा ने आईपीएफटी संपर्क किया, मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन अब देव वर्मा दावा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। बीजेपी अभी से ही अपने विरोधियों पर नजरें गड़ा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।